Hello students, good morning to all of you. Welcome back to English class. So my dear students, आज अपने English class में start कर रहे हैं हमारा second lecture, the address chapter snapshot book से. Chapter number second है हमारा. First video के अंदर आपने यहाँ तक जो है उस stanza complete कर लिया है कि she wanted to save all my nice things if we have to leave her here, we shall lose everything she says. तो यहाँ पे Mrs. जो SS है वो बता रही थी अपने daughter को, जो मार्गम इनको है खुद नरेट करे, अपना एक्सपीरियंस बता रही है किस तरह से उसकी जो चीज़ें गुम हो जाती है वापस लेने के लिए उस एड्रेस पे जाती है. तो यहाँ पे नरेटर को बता रही है उसकी मदर कि मिसेस डॉर्लिंग ने ही मुझे इंसिस्ट किया था कि वो जो सामान है उसको संभाल के रखा जाए, और वही बार बार मुझे इस बातों के लिए कह रही थी, और मेरी वो जो सभी अच्छी चीज़ें थी उनको नुकसान से बचाना चाहती थी. अगर हमें यहाँ से जाना पड़ गया तो हम हर एक चीज़ को खो बैठेंगे, वह कहती है. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे उनके बीच में हो चुकी है और वो अपनी बेटी को बता रही थी. बाकी देखो क्या कहते हैं कि हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क. तो नरेटर यहाँ पे अपनी मदर से क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या तुम उससे सहमत हो कि वो हर एक चीज़ को अपने पास रख लेगी, मतलब तुम एग्री हो कि अपना जो कीमती कीमती सामान है वो सारा का सारा यहाँ से ले जाए. तो मैंने अपनी मदर से क्वेश्चन पूछा. एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड. मान लो यह कोई ज़रूरी था, मेरी मदर ने चिल्लाते हुए कहा, मतलब ये कोई ज़रूरी था कि मैं उनसे पूछूँ कि तुम ये सामान रख पाओगी या फिर नहीं रख पाओगी. तो यहाँ पे वो अपनी बेटी को बता रही हैं, हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड. मेरी माँ ने चलाते हुए कहा ये तो कोई जरूरी तो नहीं था कि मैं उनसे ये बात पूछती, क्यों? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. अगर मैं उनसे इस तरह से क्वेश्चन पूछती तो ये एक इंसल्ट करने, एक इंसल्ट बेइज्जती करने वाली बात हो जाती कि मैं उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही. तो वो हमारा फेवर कर रही है, एक तो हमारा सामान बचाना चाहती हैं, और ऊपर से मैं उनको अगर ऐसे पूछती कि वो तुम सारा सामान रख लोगी सेफली, तो ये तो किसी बंदे की इंसल्ट करने वाली बात हो गई. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ अवर डोर विद फुल सूटकेस और बैग. तो हर बार वो जोखिम उठाकर क्या करती थी उसके बारे में तो सोचो, वो कितना जोखिम उठाती थी, इतने भारी भरकम बैग और सूटकेस उठाकर लेके जाती थी हमारे दरवाजे से, वो निकलती थी. मैं उसके पेन को समझती थी. तो मैं इस तरह से क्वेश्चन नहीं पुट करना चाहती थी, इससे उसकी इंसल्ट हो जाती. चलिए अब आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट टेंस में क्या होता है. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. तो मेरी मदर ने देखा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं उनके आंसर से, जिस तरह से उन्होंने मुझे आंसर दिया कि मैं क्यों कहती हूँ उनकी इंसल्ट वाली बात, तो इस सब के आंसर से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी. मेरी मदर ने मेरी तरफ देख लिया था. शी लुकड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पॉक नो मोर अबाउट इट. रिप्रोविंग का मतलब होता है टू ब्लेम समबडी. तो मेरी माँ ने जो है वो शायद देख लिया था कि मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, उसने जो है एक झटक भरी नज़रों से मुझे देखा, थोड़ा सा यूँ गुस्से वाले नज़र से मुझे देखा, और उसके बाद हमने इसके बारे में कोई भी बात नहीं की. जैसे हम कोई बात पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ हम चाहते बिल्कुल वैसे ही हो. तो यहाँ पे उसकी मदर ने उसके साथ ऐसे ही बिहेव किया है नरेटर के साथ, तो ऐसी नज़र से देखा, उसके बाद हमने उसके टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं की. मीन वाइल आई हैड अराइव एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. अब इसी के दौरान, क्योंकि देखो वो जा रही थी स्टेशन की तरफ, पहली बार वो ट्राई कर चुकी थी, अब वो सारी की सारी बातें सोच रही है, अपने पास्ट में गई हुई है कि कैसे उसका एक्सपीरियंस रहा था. जब वो फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए जाती है हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, 46 बताया गया था एड्रेस इसके अंदर, तो उसका जो एक्सपीरियंस था काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा था कि उसने उसके पहचानने से इनकार कर दिया था और कुछ ज़्यादा टेंशन दिया नहीं, और वो वापस टर्न करके स्टेशन की तरफ जा रही है. तो जैसे वो जब जाती है ना तो उसको सारे की सारी जो चीज़ें याद आ रही होती है, किस तरह से मदर से बात होती थी, मेरी मदर ने किस तरह से उनसे मुलाकात करवाई थी, कैसे मुझे एड्रेस दिया था, क्या क्या हम जो है वो घर पे बात करते थे, तो ये सारी की सारी बातें वो याद कर रही है अपने पास्ट के बारे में. अब इसी के दौरान देखो क्या होता है. मीन वाइल आई हैड अराइव एट द स्टेशन विदाउट हैविंग मच अटेंशन टू थिंग ऑन द वे. इसी दौरान मैं रास्ते में पढ़ने वाली हर एक चीज़ों पर ध्यान दिए बिना स्टेशन की तरफ पहुंच गई थी, मतलब रास्ते में. अभी वो होलैंड में है, अपना सामान वापस लेने के लिए आई हुई थी, उसको नीड थी. पहले तो उसने ये सोचा था कि शायद मैं उस सामान को कभी यूज़ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हालात सिचुएशन ऐसी आ गई थी मदर के जाने के बाद कि वो काफ़ी हेल्पलेस हो गई थी, और उनको उन चीज़ों की याद आ रही थी कि काश वो उसके पास होती तो अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती थी. तो इसी दौरान मैं जो वो ध्यान दिए बिना, अपनी यादों को बटोरे बिना सीधा अपना जा रही थी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी. तो आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस. तो मैं जब जा रही थी तो वो सारे के सारे जाने पहचाने
रस्ते थे, मतलब लड़ाई जब हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो चुका था, तो उसके बाद वो जाती है वहाँ पे। तो युद्ध छिड़ने के बाद मैं पहली बार ऐसे परिचित जगह से चल रही थी, लेकिन उसने और आगे जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा जो डेस्टिनेशन था वो था मेरा, मुझे स्टेशन तक ही जाना था, इसलिए आगे मैं नहीं बढ़ी, मैं उन चीज़ों को दोबारा से रिकॉल नहीं करना चाहती थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, इसलिए मैं कुछ आगे नहीं बढ़ी, जहाँ तक मुझे जाना चाहिए था बस मैं वहीं तक बढ़ गई थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट, मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी विद द साइट, उन चीज़ों को देख कर, उन गलियों में जो मेरी पुरानी यादें थीं, जो घर थे वो फुल ऑफ मेमरीज से भरे हुए थे, क्योंकि मेरा बचपन यहीं भी बीता हुआ था फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम। तो मैं उस गोल्डन टाइम के मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी, वो यादें याद कर कर अपने आप को ही अपसेट कर रही थी मैं। इन द ट्रेन बैक आई सो मिसिज डॉर्लिंग, अब वो दोबारा से उन चीज़ों को याद कर रही है, उसको एक इमेजिनेशन यहाँ पे बताया गया है। तो इन द ट्रेन बैक, जैसे वापसी में जब रेलगाड़ी में थे हम, वो हिस्ट्री के अंदर गई हुई है, मतलब पुराने अपने इतिहास के अंदर गई हुई है, पास्ट टाइम के अंदर गई हुई है, टाइम ट्रेवल कर चुकी है वो। इन द ट्रेन बैक आई सो मिसिज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। तो वापसी में जो रेलगाड़ी में सिर्फ कल्पना कर रही है, यहाँ पे इमेजिनेशन चल रहा है कि मैंने श्रीमती डोरली को दोबारा वैसे ही देखा जैसे मैंने तब देखा था उनसे पहली बार मिली थी, मतलब जब मैं पहली बार मिली थी मेरे को वही फर्स्ट मीटिंग दोबारा से याद आ रही है। इट वॉज़ द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो ये बिल्कुल सुबह का टाइम था, आफ्टर द डे, दिन की शुरुआत होने के बाद, माई मदर, मेरी माँ ने जो है वो बताया था उनके बारे में। आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, तो मेरी माँ ने उनके उनके बारे में मुझे बताया था, मैं देरी से उठी थी और सीढ़ियों से नीचे आते समय मैंने अपनी माँ को क्या करते हुए देखा था। आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, वो किसी को अलविदा कर रही थी। अब वो सारा याद कर रही, वो वाला सीन जब उनकी पहली मुलाकात मिसिज डॉर्लिंग से हुई थी, तो उसकी मदर ने किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया था। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, एक ऐसी लेडी थी जिसकी बैक जो है वो काफ़ी चौड़ी थी। देर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने जो है वो कहा कि वह मेरी बेटी है। शी बैकन टू मी, उसने जो है वो बैक साइड होके मुझे देखा। बैकन का मतलब होता है टू शो समबडी विद अ मोमेंट ऑफ योर फिंगर, जब आप हाथ से पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे इसके लिए बैकन यूज़ किया गया है। तो उसने जो है वो उंगली से पॉइंट आउट करते हुए मुझे कहा कि वो देखो वो मेरी बेटी है। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट्रैक, कोट्रैक से उस लेडी ने सूटकेस निकाला, उस औरत ने गर्दन, औरत कौन थी वो, मिसिज डॉर्लिंग थी, उसने जो है उस तरह से गर्दन हिला दी। शी वोर ए ब्राउन कोट, उसने एक बुरे कलर का कोट पहना हुआ था एंड ए सिपलर हैट, और एक बिना जिसकी कोई शेप भी दिखाई नहीं देती ऐसे उसने हैट पहनी हुई थी सिर के ऊपर। डज शी लिव फार अवे आई आस्क, तो मैंने अपनी मदर से पूछा क्या वो काफ़ी दूरी पर रहती है। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट द हाउस विद द हैवी केस, तो शी हैड गोइंग, क्योंकि वो इस तरह से जा रही थी एक हैवी केस के साथ, मतलब भाई जब हम काफ़ी दूर जाते हैं तो अपना पैकेज वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं, तो इतना भारी भरकम सूटकेस वो लेके जा रहे थे। तो मैंने अपनी मदर से पूछ लिया कि वो काफ़ी दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46, रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना कि नंबर 46 है और मार्कोनी स्ट्रीट वो वहाँ पर रहती हैं। आई हैड रिमेंबर इट, तो उसने कहा कि मुझे वो चीज़ें क्या थी, याद थी, मतलब मैंने इस चीज़ को याद रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, तो उसने उस बात को, एड्रेस को याद रखा, किंतु वहाँ जाने के लिए मैंने बहुत दिनों तक इंतजार किया था, उस एड्रेस पर पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी टाइम इंतजार किया। इनिशियली आफ्टर द लिब्रेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ऑल द स्टोर स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। तो यहाँ पे लिब्रेशन क्या होती है, फ्रीडम, लिब्रेशन होता है फ्रीडम आज़ादी के बाद। तो इनिशियली स्टार्टिंग में जब आज़ादी के बाद की बात हो रही है, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं आज़ादी के बाद शुरू में तो उन चीज़ों में जो चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई थी, जो मेरी मदर की मतलब याद दिला रही थी मुझे, मेमोरीज थी, जो सामान इकट्ठा करके बॉक्स के अंदर फिट किया गया था, तो स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उस सामान के लिए, कोई रुचि नहीं थी जो इकट्ठा करके रखा गया था। और स्वाभाविक रूप से मैं उन चीज़ों में कुछ कुछ डरती भी थी, मतलब मुझे नहीं अभी अटैच होना था उन चीज़ों के साथ, क्यों नहीं होना था वो अपना आगे बताएगी। अब नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन, क्यों डरती थी, बींग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, इन चीज़ों के साथ फैमिलियर होने के लिए, दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, एक ऐसा कनेक्शन मतलब मदर के साथ ऐसी जो बॉन्डिंग थी जो अब नहीं, मतलब जा चुकी थी, तो यादों से अब क्या समझौता करके रखना, क्या उनके साथ जो है वो जुड़ कर रहना, तो नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो आपके साथ वो कनेक्शन नहीं रही रहा, तो आप सामान के साथ जुड़ कर क्या करोगे। विच वर हिडन
away in the cupboard and boxes and waiting to win until they were put back in their place again, which had and endured all those years because they were things. अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि वो सामान था जो रखा गया था बॉक्स के अंदर भरकर, उन चीज़ों का सामना करने से मैं डरती थी जो उस इंसान से रिलेशन रखती थी जो अब नहीं रहा था। मतलब वो अपनी मदर को ही पॉइंट आउट कर रही है कि मदर ही नहीं रही तो मैं उस सामान को, उन यादों को याद करके क्या करूँ जिन्हें अलमारी और बक्सों के अंदर छिपा कर रखा गया था। और वे सारी की सारी चीज़ें मेरे को जो है वो क्या कर रही थी, व्यर्थ में इंतजार करते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि इंतजार करने के लिए उसकी मदर तो रही नहीं है। तो वो सामान सिर्फ क्या कर रहा है, वेट ही कर रहा है जो बॉक्स के अंदर बंद पड़ा हुआ है, उन्हें सही जगह पर वापसी लाने के लिए वो तो वेट कर रहे हैं। लेकिन उन सारे सालों में जो कायम रह गई थी वो तो सिर्फ चीज़ें ही थी। अब मेरी माँ तो रही नहीं थी जो जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती थी, मेरी यादें जुड़ी हुई थी, तो अब वो सामान ही था जो वेट कर रहा था, जो इंतजार कर रहा था उन चीज़ों का। आगे देखिए, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन अब चीज़ें जो है वो काफ़ी नॉर्मल होने लगी थी। कैसे नॉर्मल होने लगी थी, पहले का टाइम कुछ और था, मतलब जब वर्ल्ड वॉर, जो ग्लोबल वॉर छिड़ी हुई थी, उसके बाद चीज़ें अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, पहले ब्रेड का कलर काफ़ी हार्ड तो वो इसी तरह दिखाया गया है, बताया गया है, तो लेकिन अब उनका कलर जो वो लाइटर हो गया था, क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट हो गया था। देर वॉज ए बेड यू कैन स्लीप इन अनथ्रेटन ए रूम विच ए व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। तो बता रही है धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी थी। डबल रोटी का रंग भी जो है वो हल्का होने लग गया था, बिस्तर ऐसा हो गया था जिसमें आप बिना किसी खटके के, बिना किसी आवाज़ के, अनथ्रेटन आवाज़ के सो सकते थे। कमरा ऐसा कि उसमें एक ऐसा दृश्य दिखाई दे जिसे आप हर दिन देखने के लिए आदि हो चुके थे, मतलब आप हैबिचुअल हो चुके थे उन चीज़ के, यूज टू हो गए थे। ग्लैंसिंग टू, ग्लैंस का मतलब होता है लुक देखना, ग्लैंस देखना। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेसन्स। तो एक दिन मुझे जो है वो नोटिस आता, मुझे ध्यान में आता है कि मैं एकदम से क्यूरियस हो गई थी, मतलब मैं सोचने लगी थी उन चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई थी, एक्साइटेड हो गई थी अबाउट ऑल द पोजेसन, जो चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई थी, आपके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं पोजेसन्स, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो उस एड्रेस पे पड़ी हुई हैं। मतलब वो सामान जो मिसेज डोरलिंग सूटकेस में भर भर कर लेकर जाती थी, तो मैं उस सामान के लिए एक दिन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मैं जल्दी से उस सामान को जाऊँ, छूँ, देखूँ और उन अपनी यादों को वापस से याद करूँ। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन सामान को देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी और रिमेंबर उन चीज़ों को याद करना चाहती थी, उस मेमोरीज को दोबारा से देखना याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट मीटिंग तो मेरी हो चुकी थी, अब मैंने सोचा कि चलो एक बार और सेकेंड टाइम विजिट किया जाए वहाँ पे। तो फर्स्ट विजिट मेरी जो है वो अच्छी नहीं रही थी उनके साथ, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो सेकेंड टाइम ही ट्राई कर लेती हूँ। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, तो लड़की ने जो है वो दरवाज़ा खोला। इस बार जो लड़की थी गेट पर वो 15 साल की लड़की थी, और 15 साल की जो लड़की थी वो थी मिसिज डॉर्लिंग की। उसने दरवाज़ा खोला, आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी मदर घर पर है। नो शी सेड, उसने कहा कि नहीं, माई मदर इज़ डूइंग एन अरंड। अरंड का मतलब होता है ए शॉर्ट जर्नी टू टेक, जहाँ पे कोई काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए जब बात चल रही होती है। उसने कहा कि वो कुछ काम के लिए बाहर गई हैं। नो मैटर आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतज़ार करूँगी, यहाँ पर रुक जाती हूँ और जब तक वो नहीं आती मैं उनका यहाँ पर इंतज़ार करूँगी। तो वो उनका इंतज़ार कर रही है यहाँ पर। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैंने उस लड़की को पैसेज के थ्रू जो है वो एंट्री की और उसके पीछे पीछे मैं चली गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, तो एक पुराने जमाने, तो यहूदियों के टाइम त्यौहार के में इस्तेमाल होने वाला एक लोहे का बना हुआ पुराने फैशन का मोमबत्ती दान था, जो मिरर के पास में एक शीशे के बगले में लटका हुआ था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच, अभी कह रही है कि हम इसको यूज़ नहीं करते थे। वो बता रही है, उसको देखते हुए याद आ जाता है कि ये तो मेरा ही क्या है, हनुका कैंडल होल्डर है, जिसको हम यूज़ नहीं किया करते थे। क्यों नहीं किया करते थे, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी, हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी, जिसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत भारी होता है, देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। एक सिंगल कैंडल स्टिक में क्या होता है, कैंडल लगाई अपने अपने उसको यूज़ कर लिया, लेकिन वो इतना हैवी था कि उसकी बजाय हम उसको सिंपल को यूज़ करना पसंद करते थे, इसलिए हमने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो देखते ही उसको अपनी पुरानी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती है। वुडंट यू सिट डाउन, आस्क द गर्ल, लड़की ने कहा कि आप बैठेंगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने जो है वो लिविंग रूम का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया था।
तो मैंने बैठने के उसने जो है बैठने के दरवाजे के लिए हाथ पकड़े पकड़े जो है वो उसको खोला, एंड आई वेंट इन साइड पास्ट हर। मैं उसको पीछा करते करते उसके पीछे चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरीफाइड, मैंने अपने आप को मतलब रोक लिया। मैं काफ़ी घबरा गई थी, थोड़ा सा भयभीत हो गई थी मैं। क्यों भयभीत हो गई थी? आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। देखो, मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती का तो मतलब था कि पहली बार वो मिसेस जोडली के घर पर आई है, इसलिए तो वो कह रही कि डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी। लेकिन आई न्यू का मतलब है कि वो सामान इतना फेमिलियर था, क्योंकि वो सामान मेरा ही सामान था, हमारे ही घर का सामान था। इसलिए उसने ये लाइन यहाँ पे यूज़ की है कि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग्स, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिसको मैं बार बार देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। लेकिन मैं चाहती तो थी, इन चीज़ों के बीच में पाया था मैंने, उन चीज़ों को देखना भी चाहती थी। एक ऐसे विचित्र वातावरण के अंदर देखकर मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी, जो मेरे को ऑप्रेस कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक ऐसे एनवायरनमेंट में मैंने अपने सामान को पाया। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग, टेस्टलेस मतलब होता है कि नॉट इन प्रॉपर वे, जिनको प्रॉपर वे के अंदर मैनेज करके नहीं रखा गया था, एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, उसको बिल्कुल ही मैसी तरीके से मिसमैनेज करके रखा गया था सामान को। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मग्गी स्मेल दैट हंग देयर, क्योंकि जब कोई रूम बंद होता है और फ्रेश एयर वहाँ से क्रॉस नहीं हो पाती है, नहीं आ पाती है, तो एक मगी मगी एक स्मेल आ जाती है, मस्टी स्मेल जिसको आप बोलते हैं, एक सीलन की स्मेल रह जाती है उस कमरे के अंदर। जब धूप नहीं लगती है और फ्रेश एयर नहीं आती, तो बंद रहने की वजह से सीलन की गंदी स्मेल होती है। तो अगली फर्नीचर था, फर्नीचर बड़ा ही भद्दा था, और मगी जो मस्टी स्मेल थी वहाँ पर आ रही थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था, बट आई स्केयर्सली, स्केयर्सली का मतलब होता है ओनली जस्ट डेयर टू लुक अराउंड मी। तो मैंने क्या किया, मैं नहीं जान पाई, लेकिन मुश्किल से मैंने अपने आसपास देखने का हिम्मत जुटाई, मतलब चारों तरफ सामान देखने की मैंने हिम्मत की। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक चेयर को मूव करके रख दिया। आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, लड़की ने जैसे ही चेयर रखी मैं उसके ऊपर बैठ गई, एंड स्टेयर मैंने देखना शुरू कर दिया। लुक एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैंने उस वुलन क्लॉथ की तरफ देखा जो टेबल पर रखा हुआ था। आई रब्ड इट, मैंने इसको घिस कर देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, तो मेरी जो फिंगर्स थी उसको रगड़ते हुए जो वो थोड़ी सी वार्म गर्म हो गई थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने मतलब हाथ टच करके, क्योंकि वो उन्हीं का जो है वो क्लॉथ था और वो उसी को टच करके देख रही थी, तो मैंने उसके पैटर्न को अच्छे से फॉलो किया, अपनी फिंगर से उसको फील करने की कोशिश की। समवेयर ऑन द एज देर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, तो कहीं ना कहीं उसके एज पॉइंट पे, ऐसे कॉर्नर पे एक बर्न मार्क जरूर होगा, जले हुए का निशान होगा, जो कभी भी रिपेयर नहीं करवाया होगा। मतलब वो याद कर रही है कि ये तो हमारा ही है, उसके ऊपर एक बर्न मार्क था, आइडेंटिफिकेशन के लिए चेक कर रही है। माई मदर्स विल बी बैक सून, मेरी मदर जल्दी ही आने वाली है, सेट द गर्ल, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए ऑलरेडी चाय बनाकर रख दी है। किसके लिए? मैं मदर के लिए। मदर कौन है? मिसिज डॉर्लिंग। विल यू हैव ए कप, क्या तुम भी एक चाय का कप लोगी? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने देखा, द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल, वो टी टेबल पर जो है वो कप्स को रेडी कर रही थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी काफ़ी ब्रॉड बैक थी, काफ़ी चौड़ी पीठ थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मदर की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने वाइट पॉट से जो है वो चाय डालना शुरू किया। ऑल ईच हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, उसकी ढक्कन पर जो बेस था उसके ऊपर वाला जो कवर था, मेन कवर के ऊपर कुछ सुनहरे रंग का बॉर्डर बना हुआ था। आई रिमेम्बर्ड, वो मुझे याद आया। शी ओपन्ड ए बॉक्स, उसने एक बॉक्स भी खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाले। और वो सारी की सारी चीज़ें किसकी थी? वो एसएस की ही थी। और वो डॉक्टर वहाँ पे पहुँची हुई है, नेटर वहाँ पे पहुँची हुई है, और वो सारा का सारा सामान जो अपना देखकर याद कर रही है कि ये वही सामान है। दैट्स एन आई बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी खुद की आवाज़ में सुना कि कितना सुंदर बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये थोड़ी अजनबी सी आवाज़ थी जो मैं अपने आप से सुन पा रही थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, हर एक जो आवाज़ थी वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी। जब भी आप अपनी फैमिलियर चीज़ों के बीच में होते हैं तो आप दूसरों को तो नहीं कह पाते, क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं कि आप किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो वो उन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप किन चीज़ों की बात कर रही हैं। तो एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही थी वहाँ पे उस रूम के अंदर। ओह, यू नो अबाउट देम, अच्छा तो तुम क्या जानती हो उसके बारे में? शी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, उसने टर्न किया, घूम कर मेरे हाथ में चाय दे दी। शी लाफ्ड, वो जोर से हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी मदर कहती है बिल्कुल यूनिक है, एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, उसने राउंड में करते हुए
कमरे के अंदर से चारों तरफ हाथ फैलाते हुए कहा कि देखो ये इधर देखो उधर देखो वहाँ देखो, सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद भी देख सकती हो। अब आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे जो है उसके हाथों की डायरेक्शन को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हर एक चीज़ को मैं अच्छे से जानती थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन, तो मुझे पता था वो किन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल, तो मैं सिर्फ मेरी जो नज़रें थी वो सिर्फ वहीं पर जा रही थी टी टेबल की तरफ, चाय वाले टेबल की तरफ। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसाइड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, फैंसाइड का मतलब होता है टू लाइक द आइडिया ऑफ हैविंग, द प्यूटर प्लेट जो यूज़ किया गया है वो होता है टीन बेस्ड एलोई। तो मुझे पता था कि वो किन चीज़ों के बारे में बात करी थी, मैंने केवल उस चाय के मेज़ पर रखे हुए उस लाइफ सेवर की तरफ देखा। मैंने बचपन में उस कांसे की प्लेट, कांसे की प्लेट बोला जाता है इसको, सेब खाना काफ़ी पसंद करती थी मैं, मतलब मुझे बहुत पसंद था इसके अंदर सेब काट कर खाना। वी यूज़ इट फॉर एवरी थिंग शी सेड, उस लड़की ने कहा कि हम जो है इसको हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह बोली। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, तो एक बार वो ये भी कहती है कि मैंने दो दीवार पर टंगी हुई जो प्लेट थी उसने इशारा किया, उसके अंदर भी खाना खाया हुआ था। आई वॉन्टिड टू सो मच, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद था, मेरी इच्छा थी, मेरी विश थी कि मैं उसके अंदर खाना खाऊं, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन उसमें कुछ ऐसा खास मुझे नहीं लगा था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, तो इस तरह से बातचीत चल रही है दोनों लड़कियों के बीच में, तो मैंने वो बर्न मार्क ढूंढ निकाला जो टेबल क्लॉथ पर था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, तो लड़की ने एक क्वेश्चन भरे भाव से मेरी तरफ देखा, नजरें मेरी तरफ फिराई। यस आई सेड यू गेट, हाँ मैंने कहा, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तो यू गेट सो यूज टू टचिंग, तो कहती है कि आप घर में जो पड़ी हुई जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उनको छूने में इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, उनके आदी हो जाते हैं, फिर शायद आप उन पर कभी कभी नज़र डालते हैं, मतलब आपको पता है कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं तो आप उन पर कभी कभी हार्डली नज़र डालते हैं। यू ओनली नोटिस, आप तभी उन चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, जब कोई चीज़ मिसिंग होती है, या बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर, या फिर वो रिपेयर होने की रिक्वायरमेंट है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर आप उनको किराए पर या कुछ टाइम के लिए दे चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए वो यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से यही बता रही है कि ये जो सारा का जो सारा सामान है वो हमारा ही है, या तो आप क्या करते हो चीज़ों को, तो जो आप सारा दिन यूज़ करते हो उनके हैबिचुअल हो जाते हो, तो कभी कभार नज़र तब पड़ती है या तो कोई रिपेयरमेंट की ज़रूरत हो, या फिर किसी को आपने दिया हो कि मुझे वहाँ से वापस लेकर आना है, या फिर कोई चीज़ मिस हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल, तो उस लड़की को तो नहीं पता है जो मिसेस डोरलिंग की बेटी है कि वो किस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रही है, जो कोटेशंस यूज़ किए उसने यहाँ पे, लेकिन उसको तो पता था ना कि ये सारा का सारा सामान है ये हमारा ही है, और मिसेस डोरलिंग ने मतलब एज ए सेफ्टी अपने पास रखा हुआ था। अगेन आई हर्ड द अनेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, तो दोबारा से मैंने जो है अपने मतलब जो आवाज़ को तो सुना था जो कहती आई थी, ठीक है। आई वेंट ऑन, आई रिमेंबर माई मदर्स वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, तो दोबारा से उसको वो बात याद आ जाती है, मतलब दोबारा से वो पास में चले गए। देखो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, पहले वो आई थी फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए, उसके बाद क्या होता है वो स्टेशन की तरफ चली जाती है, स्टेशन की तरफ जाती है तो अपनी मदर की बातों को याद करती हैं, ऐसे फील करती हैं कि जैसे जब मुलाकात हुई थी लास्ट मीटिंग के अंदर, तो मेरी मदर ने मुझे बताया था कि ये मिसेस डॉर्लिंग है और वो मेरी बेटी है, जब हम सी ऑफ कर रहे थे बाद में तो मैंने देखा था उसकी ब्रॉड बैक है, तो एक नज़र ही लगाई थी। उसके बाद फिर वो सेकंड टाइम पहुंच जाती भी चलो उन चीज़ों को याद किया जाए, पहले तो मेरा मन था कि मैं उन चीज़ों को ना लूँ, उन चीज़ों को छोड़ देती हूँ, लेकिन आप इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं उन चीज़ों को याद करने के लिए, नहीं कि मुझे अपना सामान वापस चाहिए। आप जब वापस आते हैं तो आपकी मुलाकात एक 15 साल की लड़की से होती है जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है, तो वापस से ये सारा का सारा सीन वैसे ही किया गया है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड, दोबारा से मैंने एक अननेचुरल साउंड को सुना। आई वेंट ऑन इट, और मैं इसमें मतलब चलती चली गई। आई रिमेंबर माई मदर्स, मुझे याद आया मदर के बारे में, वंस आस्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि वो कह रही थी कि चांदी की चीज़ों को पॉलिश करने में उसकी मदद करूंगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, तो कहती है यह बहुत पुराने समय की बात है, उस दिन शायद मैं मतलब बोर महसूस कर रही थी, काफ़ी टायर्ड लग रही थी, बोरियत लग रही थी मुझे,
या फिर मुझे घर पर ही रहना पड़ गया था क्योंकि मैं बीमार थी। उसने मुझे पहले इस काम के लिए कभी भी नहीं कहा था भी पॉलिश कर दिया जाए, सिल्वर का जो सामान है इसको अच्छे से पॉलिश कर दो, सफाई कर दो। तो उसने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा था। आई आस्क हर विच सिल्वर सी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स फोक एंड नाइस ऑफ कोर्स। अब मुझे याद आ रहा है कि वो किन चीज़ों के बारे में बात करते। देखो उस टाइम पे आप इग्नोर कर देते हैं बातों को, शायद इतना अटेंशन नहीं देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ों को देख रही है अपने सामने, विजुअलाइज कर रही है उसके घर में, तो उसकी मदर की उसको बात याद आ गई थी कि मदर ने एक बार जो वो सिल्वर के बर्तनों की सफाई के बारे में बात भी की थी। तो उस बात पर हैरान हो रही थी कि वो किन चीज़ों, वो बेशक कौन सी चीज़ें थी, वो चमचे थी क्योंकि वो किसकी थी, सिल्वर की थी, कांटे थे, छुरियाँ थी, तो वो और कोई चीज़ नहीं हो सकती, वो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रही थी। तो मैं उस दिन काफ़ी बोर फील कर रही थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया दैट इट वॉज़ अ स्पून्स हो सकते थे, वो फोक कांटे हो सकते थे, चाकू छुरियाँ हो सकती थी। एंड दैट वॉज़ अ स्ट्रेंज थिंग, आई डिड नॉट नो द कटलरी एच वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। और वह बात मुझे काफ़ी अजीब लगी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वह छुरी काटे जिनसे हम हर रोज़ खाना खाते हैं वो चांदी के ही थे, मतलब वो इन्हीं के बारे में बात किया करती थी। तो देखिए इतना ध्यान नहीं दिया गया यहाँ पे, और वो बार बार इसी के बारे में बात कर रही है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वह लड़की वह फिर से हंस पड़ी। आई बेट यू डू नॉट नो इट इज़ इधर, आई लुकड इंटेंटली एट हर, वट वी ईट विद शी आस्ट। आई बेट यू डू नॉट नो, तो कहती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें पता नहीं होगा कि ये भी चांदी की ही बनी हुई है, मतलब ये जो सारा सामान है, जो देखिए सामान तो उन्हीं का है। उस लड़की को ये नहीं पता है कि ये एसएस की डॉटर है और ये सामान इसी से रिलेटेड है। तो डोरलिंग की बेटी को तो कुछ नहीं पता है यहाँ पे, तो कहती है मैं शर्त लगा के बोल सकती हूँ कि जो सामान तुम देख रही हो ना, ये चांदी की ही बनी हुई है, मैंने उसको गौर से देखा। इंटेंटली का मतलब होता है अटेंटिवली, ठीक है। आगे देखिए, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मतलब अटेंटिवली ध्यान से देखा। वट वी ईट विद शी आस्ट, तो कहती है कि क्या ये वही है जिनसे हम खाना खाते हैं, उसने पूछा। वेल डू यू नो, अच्छा बताओ कि क्या तुम्हें पता है इनके बारे में। शी हेजिटेटेड, शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए डोर। आई विल लुक इट इज़ इन हेयर, तो वह हिचकिचाई अपनी अलमारी, मतलब अलमारी की तरफ गई और एक दराज खोलने लगी। मैं देखूंगी हाँ इसी में कुछ होगा, ऐसा कुछ है। आई जम्पड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। आई जम्पड अप, मैं एकदम से उछल के पड़ी और मैं उसमें मतलब भूल रही थी कि मुझे रेलगाड़ी भी पकड़नी थी, मेरे ट्रेन का टाइम हो चुका था। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, उसका हाथ अभी जो है वो दराज में ही था। डू नॉट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मदर के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहती, वो आने ही वाली है, सो यू कैन वेट हेयर। उसने कहा कि नो आई मस्ट गो, मुझे मुझे जाना होगा। आई वॉक्ड टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द डोर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। आई वॉक्ड टू द डोर, मैं जो है वो दरवाजे की ओर बढ़ के चली गई थी, लड़की ने खींचकर जो है वो दराज को खोल लिया था, मतलब झटके से खोला। मैं अपना रास्ता जो है वो खुद ही खोल सकती थी, मतलब जा सकती थी ऑन द वे, अपने ही वे के ऊपर, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी डायरेक्शन की। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क। तो एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं उस पैसेज की तरफ, मतलब उस गलियारे की तरफ से जब वह निकलने लगी, तो मैंने आवाज़ें सुनी चमचों की और कांटों की, खनखनाहट की आवाज़ आई मुझे। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, तो जैसे ही मैं कॉर्नर पर पहुंचती हूँ रोड के, तो मैंने नेम प्लेट की तरफ देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सैड, मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था, एंड आई हैड बीन एट द नंबर 46, और नंबर 46, और ये वही नंबर था जो मेरी मदर ने कहा था, मार्कोनी स्ट्रीट और नंबर 46 याद रखना, जब लास्ट सी ऑफ कर रही थी वो मिसेज डोरलिंग को, और मैंने पूछा था कि वो कहाँ पर रहती है, वो ज़्यादा दूर रहती है, तो ये वही वाली बात चल रही है। तो सड़क के कोने पर मैंने नेम प्लेट को देखा, उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट और मकान नंबर था 46, और ये बिल्कुल सही एड्रेस था जहाँ से मैं अब आ रही थी। एड्रेस तो बिल्कुल सही था, द एड्रेस वॉज करेक्ट, बट नाउ आई डो नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को दोबारा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुड नो, आई वुडन्ट गो बैक देयर बिकॉज ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और मैं जो पास्ट टाइम होता है आपको उसको बोलता है फॉर्मर टाइम्स, इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम, यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है, मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगी क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी यादों में उन पुराने दिन के जाने पहचाने जीवन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सारे के सारा जो चीज़ थे वो अपनी मेमोरीज को बटोर के वहाँ से आ रही थी, वही चीज़ें हैं
वही उसने जो है वो कप सेट देखा है, वो वूलन सेट है, फोक हैं, चमचे, जितने भी जो सारा सामान था वो सारा का सारा सामान उसको याद दिला रहा था जो जुड़ी हुई थी। तो पल भर के लिए आप अपना जो है वो महत्व खो बैठती हैं। जब उसने एक बार, जब आप उसे एक बार कट जाते हैं ना, तो आप उन्हीं चीज़ों को एक अनजान ऐसे एनवायरनमेंट में देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कट चुकी थी। देखो, अगर मिसेस डोरलिंग इतनी अच्छी होती, अगर वो थोड़ी सी ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाती, तो उसके इस बुरे टाइम में उसका साथ देती और वो कहती कि बिल्कुल तुम्हारा ही सामान है बेटा, आओ, मोस्ट वेलकम है तुम्हारा, मेरी मदर से, तुम्हारी मदर से मैंने लिया हुआ है, और इसको पैक करके वो वापस उसको दे देती। लेकिन अब फ़ायदा है क्या है, जो चीज़ें आपको पेन देती हैं, आप ना तो उनको मांग सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। तो वो जो सराउंडिंग में रहती हैं आपको, वो आपको अजनबीपन ही देंगी उसके बाद। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडो एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रोर। तो वैसे भी मुझे करना भी क्या था, क्योंकि मैं एक स्मॉल रेंटेड रूम में, एक छोटे से कमरे में रहती थी, किराए के घर पे रहती है वो, तो मैं उन चीज़ों को एक छोटे से किराए के घर में भी लाकर क्या करती, ब्लैकआउट करने वाले कागजों के जो है वो टुकड़े खिड़कियों के आसपास अभी भी लटक रहे थे, और मेज जो थी वो तंग दराज में सिर्फ इतना स्पेस था उसके अंदर कि आप मुट्ठी भर कांटे छुरियाँ ही आ सकते थे, और मैं इतना जो सामान था मेरी मदर का, जो भर भर के वो लेके गई थी, तो मैं इतना सारा सामान एक छोटे से रूम में रख के भी क्या करने वाली थी, मतलब मैं उसको संभाल के ही नहीं रख पाती क्योंकि मैं एक छोटे से रूम में रह रही थी। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द इजिएस्ट। सो आई रिजोल्व टू फॉरगेट, तो उस पते को भूल जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था। रिजोल्व एक अपना एक ऐसा मैंने मन बना लिया था कि मैं उस एड्रेस को, उस पते को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, उन सभी चीज़ों में से जिन्हें मैं भूल जाना चाहती थी, वो सारी की सारी जो चीज़ें थी जो मैं अभी देख कर आई हूँ, मैं उन चीज़ों को भूल जाना चाहती थी। दैट वुड बी इजिएस्ट, ये चीज़ें सबसे आसान थी, मतलब इन चीज़ों को भूल पाना ही क्या था मेरे लिए आसान था, क्योंकि अब मैं जिस रूम में रहूँगी, अगर वो सामान मेरे साथ रहता तो मुझे वो पल पल उन चीज़ों के बारे में याद दिलाता रहता। तो अब वो सामान नहीं होगा तो शायद मैं ये सोच कर ही खुश हो जाऊँगी कि चलो ठीक है, ना ही मैं उस एड्रेस को याद करना चाहती थी, अपनी लाइफ में हर एक निशाने को जो है मिटा देना चाहती थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर द एड्रेस। वैसे कंक्लूजन तो हम ये निकाल सकते हैं कि कभी ऐसा करना नहीं चाहिए किसी भी बुरे टाइम में। तो ऐसा मिसेस डोरलिंग के केस में देखा गया है कि मिसेस डोरलिंग अगर ऑनेस्ट होती तो उसका सामान दिलाती, उसका बुरे वक्त में उसका साथ देती। और यहाँ पे एसएस की डॉटर ने भी इतनी ज़्यादा ऑनेस्टी दिखाई है, उसने कोई जिद नहीं की, उसने सोचा कि इस एड्रेस को भूल जाना और सामान को भूल जाना ही बेटर होगा और लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है। तो अपनी पास्ट की मेमोरीज को वो सिर्फ अपनी यादों में ही बटोर के रखती है, और उन सामान के बिना जो उसके लिए प्रीशियस हो सकती थी उस बुरे टाइम के अंदर, वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को छोड़ के आगे की ओर बढ़ने का दृढ़ संकल्प कर लेती है। सो बेटा, रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन फ्रीली आस्क मेनी टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।